बिहार में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज से अपनी बेरोजगारी हटाओ यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा से पहले सत्ताधारी जेडीयू ने तेजस्वी पर कई आरोप जड़ दिए हैं। यात्रा में इस्तेमाल की जाने वाली हाईटेक बस पर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब के बीच आरजेडी और जेडीयू के बीच पोस्टर वॉर भी जारी है। तेजस्वी की इस यात्रा को पोस्टर के जरिए निशाना बनाया गया है। हाईटेक बस को लेकर उठे विवाद को लेकर एक दूसरा पोस्टर जारी किया है, जिसपे दिखाया गया है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव का इस यात्रा के जरिए आर्थिक उगाही कर रहे हैं। हाईटेक बस के ड्राइवर के रूप में लालू यादव और उनके साथ तेजस्वी यादव को दिखाया गया है। बस के ऊपर रुपयों की गठरी लिखी है, सामने सीधे ऊपर लिखा है, अपनी लाठी अपना परिवार। आर्थिक उगाही यात्रा ने इसके अलावा पोस्टर के शीर्ष पर लिखा हुआ है, हाईटेक बस तैयार हुआ, अति पिछड़ा शिकार हुआ। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि तेजस्वी जिस हाईटेक बस पर सवार होकर बेरोजगारी हटाने के लिए निकलने वाले हैं, वह एक बीपीएल व्यक्ति के नाम पर है। जेडीयू का आरोप है कि अति पिछड़े समाज से आने वाले एक गरीब शख्स से जालसाजी कराते हुए आरजेडी ही पूर्व विधायक ने लग्जरी बस को खरीदा है। इससे पहले भी कई मौकों पर जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर के जरिए वॉर कर चुके हैं। सकता है, लेकिन पोस्टर में जो भावना व्यक्त की गई है वह हजार नहीं लाख प्रतिशत बिल्कुल न्यायोचित है, क्योंकि लालूवाद एक विचारधारा है जो आर्थिक उगाही यात्रा पर माननीय तेजस्वी यादव जी निकल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी परंपरा रही है, तो उस जो प्रदर्शित किया गया है कि समाज का अति पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति जमीन का दस्तावेज लिए हुए है, कोई लिफाफा लिए हुए है, डीजल पेट्रोल पंप के बगल में कह रहा है सचेत रहिए, ये तो लालूवाद की जो विचारधारा का खौफनाक जो चेहरा है उसको प्रदर्शित किया गया है। इसलिए बिहार की नई पीढ़ी को भी इस बात का संदेश जाएगा कि भाई ये तेजस्वी यादव का परिवार बिना जमीन बिना धन के मुस्कुराता नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।